फ्रेंड्स, इसमें मैंने हुक्रम नहीं डाला है, लेकिन इसमें गेहूं की बोरी डाल के मैंने ये बैग बनाया है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह की बैग फ्रेंड्स हम बाज़ार में कुछ खरीदने जाते हो, सामान खरीदने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो या तो शॉपिंग करने जाते हो, तो हम इस तरह की बैग आसानी से ले जा सकते हो। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का बहुत ही प्यारा सा बैग बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया है इसको जोड़कर, तो कितना प्यारा बन गया है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें कुछ भी चीज़ रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो पॉकेट बनाए हैं, एक मैंने यहाँ पे पॉकेट बनाया है, तो एक मैंने नीचे दो पॉकेट बनाया है फ्रेंड्स यहाँ पे भी। तो इस तरह से हम घर पर ही आसानी से बैग बना सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैंने अस्तर भी टुकड़ों से ही डाले हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने प्यारा सा बैग बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दो टुकड़े को यहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर दिया है और एक लंबा बना दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम गेहूं की बोरी का यूज़ करेंगे और यहाँ पे अस्तर में भी मैंने ज्वाइंट लगाकर बनाया है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों से हम बहुत ही प्यारी सी बैग बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अस्तर को अलग कर दूंगी और सीधी साइड हम पॉकेट बनाएंगे। यहाँ 3.5 पर मैंने लाइन की है। यहाँ पे मैंने दो पार्ट लिए हैं और दोनों की लंबाई है 9.5 इंच और चौड़ा है 7 इंच फ्रेंड्स। अब हम सिंगल फोल्ड करके टिच कर लेंगे दोनों में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे पॉकेट बनाएंगे। अगर हम अस्तर में ही पहले पॉकेट बना लेते हैं फ्रेंड्स, तो मेन पार्ट पर इसकी टिच दिखाई नहीं देती है फ्रेंड्स। अब हम बीच में भी टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो पॉकेट बनके रेडी है। अब हम तीसरा पॉकेट बनाएंगे, वहाँ पे हम वेलक्रो का यूज़ करेंगे। चारों तरफ टिच करके दूसरे पार्ट के बीच में वेलक्रो लगा देंगे फ्रेंड्स, टिच करके। इस तरह से करने से ये भी हमारा एक दूसरा पॉकेट बन जाएगा फ्रेंड्स। इनके बीच में हम लगा देंगे और तीन साइड पर हम टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा पॉकेट भी बन जाएगा फ्रेंड्स। कुछ भी सामान इसमें रख सकते हम। अब हमने मेन पार्ट लिया है, उसको उल्टा रखा है, इनके ऊपर गेहूं की बोरी और अस्तर। अब तीनों को साथ में जोड़कर चारों तरफ हम टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। टिच करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इस तरह से हमें फैला फैला कर टिच करना है, ताकि बीच में जोई ना पड़े पॉकेट में और हमारे पॉकेट की फिनिशिंग भी अच्छी आए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कैंची की मदद से काट लेंगे। देखिए, मैंने काट लिया है और ये हमारे पॉकेट भी बन गए हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इसकी लंबाई नापेंगे फ्रेंड्स। तो इसकी लंबाई है फ्रेंड्स 25 इंच और इसकी चौड़ाई है 13 इंच। यहाँ पे मैंने दो हैंडल बनाने का पार्ट लिया है। तो इसकी लंबाई है 15 इंच और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो इसको हम दोनों को अलग करके दोनों साइड मोड़ कर फिर डबल फोल्ड कर यहाँ पे हम टिच कर लेंगे, ताकि हमारे हैंडल बनके रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। है ना इजी, हम घर पर ही आसानी से बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे हैंडल बनके रेडी है। अब हम 3.5 पर मार्क करेंगे, यहाँ पे भी 3.5 पर मार्क करेंगे और इसके बीच में हम हैंडल रख के दोनों साइड टिच कर लेंगे। देखिए, मैंने टिच कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक पुरानी चिप है, तो हम यहाँ पे पुरानी चिप का भी यूज करेंगे फ्रेंड्स। सीधी साइड को हम उल्टा रख कर यहाँ पे टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम लगा देंगे प्रेस स्टिच। प्रेस स्टिच लगाते समय हमें ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, हमारे हैंडल है वो बाहर की तरफ हमें रखना है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से बाहर की तरफ रखना है और फिर हमें प्रेस स्टिच लगाना है। अब दूसरी साइड भी हमें इस तरह से करना है फ्रेंड्स। इनको इस तरह से जोड़ देना है और टिच कर लेना है।
अब हम जीप को खोल देंगे और दूसरी साइड प्रेस स्टिच लगा देंगे फ्रेंड्स, तब भी हमें हैंडल को बाहर करके रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड स्टिच हो गई है। अब हम दोनों बाजू पर स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई को छोड़कर 2 इंच पर एक बॉक्स बनाया है और हम इसको कैंची की मदद से काट लेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह हम सिलाई को साथ में जोड़कर यहाँ पे कैंची की मदद से काट लेंगे फ्रेंड्स एक बॉक्स। इस तरह से करने से हमारी बैग की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और बैग की साइज भी बढ़ जाती है फ्रेंड्स। हमें इसमें ज़्यादा सामान रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिया है। तो अब हम इसको पलट लेंगे फ्रेंड्स। इसको पलटना भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इस तरह से हमें पूरा सीधी साइड कर देना है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हमारी पॉकेट बनके रेडी है। तो आप भी देख सकते हो कितनी प्यारी बैग बन गई है और स्पेस भी कितना ज़्यादा है, हम कुछ भी सामान इसमें रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 4 पॉकेट वाली बैग बनके रेडी है। तो आपने देखा ने, छोटे से टुकड़े ने कर दिया बड़ा कमाल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरा बैग बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करना।